हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर दोस्तों आपके मोबाइल में किसी का फ़ोन आता है या फिर किसी का फ़ोन में बात करते रहेंगे दोस्तों, अगर आप लोग पावर बटन दबाने से अगर आपका फ़ोन अगर कट हो जाता है दोस्तों, तो उसको ठीक कैसे करेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों आपको दो तरीका बताऊँगा, तो दोनों तरीका यूज करने से दोस्तों आपका जो भी ये प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में आएंगे और आने को दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाएगा, तो उसे पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हो कि एसिबिलिटी का जो ऑप्शन है उसे पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार ऑप्शन ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जनरल लिखा है, विजन देखने को मिल जाएगा, और हेयरिंग, और जो लास्ट में फिजिकल ऑप्शन है दोस्तों, तो फिजिकल ऑप्शन वाले में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर बटन एंड कॉल लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपका कुछ इस तरह से वन होगा दोस्तों, तो इस तरह से वन नहीं रखना, इसको यहाँ से ऑफ कर देना, ठीक है। अगर गलती से यहाँ से वन हो गया रहेगा दोस्तों, तो इस आप लोग को मालूम नहीं चल रहा रहेगा, तो दोस्तों इसको इस तरह से ऑफ ही रखेंगे। और ऑफ रखने का दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप दोस्तों पावर बटन वाले को क्लिक करके रखना है, और क्लिक रखने का दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसी पर क्लिक कर देना, आपका दोस्तों जो मोबाइल है रीस्टार्ट होगा दोस्तों, और जो प्रॉब्लम है आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये दो ट्रिक यूज़ करने से दोस्तों आपका जो ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में जानकारी, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।